दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक सभी किसान भाइयों का एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में मैं सभी फार्मर्स भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूं जो हिसार में जो 10वां एक्सपो स्टार्ट होने वाला है वो कहां पर होने वाला है और कहां कहां से जो है लोग उसमें आने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगी। तो सभी मेरा पशुपालक भाइयों से, फार्मर्स भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। साथ के साथ फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें, पूरी डिटेल में जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हिसार में 10वां एक्सपो स्टार्ट हो रहा है वो किस पर्पज़ से हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हिसार में ये जो है 2011 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 11, 12, 13, 19 तक लगातार हुए थे, 2019 तक, 2011 से, और 20 और 21 में जो है कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। अब की बार जो है 2022 में 10वां जो है कृषि एक्सपो स्टार्ट हो रहा है, जो कि हिसार का जो ट्रेनिंग, जो ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिसार से सीसा रोड पर, वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 12, 13, 14 मार्च 2022 को। तो वहाँ पर जो फार्मर्स भाई हैं वो वहाँ पर क्या क्या उनको देखने के मिलेगा, उनको मैं पहले बता दूं कि आप जो है जो खेती बाड़ी के यंत्र हैं उनसे संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तकरीबन जो भी सभी कंपनियों के वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, उत्पाद आएंगे, मशीनें आएंगी, तो आप उनसे उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई खेती का यंत्र आपको पसंद आ रहा तो वहाँ से आप उसको जो है बाय भी कर सकते हैं। दूसरा, आपकी फसलों से संबंधित फसलों के जो नए नए सीड्स आ रहे हैं मार्केट में, वहाँ पर उनकी जानकारी आपको दी जाएगी और उनके में जो समय समय पर जो बीमारियाँ आती हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अपने खेत की मिट्टी की जो है न्यूट्रिशन की वहाँ पर आप जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें मिट्टी की जांच करनी चाहिए। पानी के TDS के बारे में, जो खेती बाड़ी के लिए जो उपयोगी जो है पानी होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार के पानी में हमें किस प्रकार की फसल जो है उसमें बिजाई करनी चाहिए। और जो है जो पेस्टिसाइड आएंगे उनके बारे में भी आपको दी जाएगी। और जो ड्रोन, आजकल ड्रोन से खेती की जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी यंत्र होते हैं, वो सभी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और तकरीबन 2 लाख तक के विजिटर्स वहाँ पर आने वाले हैं और हरियाणा स्टेट से लगते हुए तकरीबन सभी राज्य से, कह लीजिए कि दूर दूर से चेन्नई तक के भी वहाँ पर विजिटर्स आते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो है एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, कृषि दर्शन एक्सपो यहाँ पर आयोजित किया जाता है, ताकि बहुत से एक सारे किसानों को एक जगह पर जो है इकट्ठा हो और उससे आपस में जो है एक दूसरे से व्यापार भी बढ़े और उनको तकनीकी जानकारी भी मिले। तो ऐसी चीज़ के लिए जो है ये कृषि दर्शन एक्सपो जो स्टार्ट किया जा रहा है। तो मैं देखने वाले सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाइयों को हिसार जो एक्सपो हो रहा था स्टार्ट, इसको लेकर बार बार कमेंट और कॉल आ रही थी। तो ये जो वहाँ पर इसको आपके शेयर करने से उनको डिटेल मिल जाए, और मैं स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अगर आपको कोई जानकारी इसके अलावा चाहिए तो वहाँ से आप जो है पूछ सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स भाई वहाँ पर पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है तकनीकी जानकारी वहाँ से ले करें और जो है एक एडवांस फार्मर जो है बन सके और अपनी आय को जो है इंक्रीज कर सके। और पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि खेती और पशुपालक व्यवसाय दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी वहाँ पर पहुँचकर तकनीकी जानकारी, खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी या एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी जानकारी आप जो है बारीकी से वहाँ पर ले सकते हैं।